ये मछली दाना खा ले बेटा, तू और तेरे पापा एक्सपर्ट थे खाने में। तुमको अनबॉक्सिंग बढ़िया आती है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप सब आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारी तरह सुबह सुबह उठ के कनाडा में मॉर्निंग वॉक कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं वापस आ चुकी हूँ कनाडा अपने नॉर्मल स्केड्यूल पे, और अब हम जा रहे हैं रोड साइड रिवर जो कि हो सकता है हमारे घर से 1-2 किलोमीटर दूर हो। देखते हैं कैसी रिवर है, और उतने तक आप नज़ारे देखो, कितने सुंदर नज़ारे हैं, बर्फ के पहाड़ और खुले खेत। और ये मेरी मासी जा रही है। मासी हाय तो बोल दो घूम के। ये पूरी एक लैंड थी, मतलब जैसे नॉर्मल फार्म्स आपको दिख रहे हैं ना वहाँ पे, ये पूरी एक लैंड थी वैसी। अभी क्या हो रहा है, वैनकूवर में बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से, एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर बारिश पड़ी थी, उसकी वजह से फ्लड आ रखा है। तो ये तभी ये सारा इतना भरा मैदान, मतलब पूरा फार्म, एक फार्म पानी में भरा हुआ है क्योंकि फ्लड आ गया था। काफी सारी जगह है जहाँ पे ब्रिजेस भी टूट गए हैं फ्लड की वजह से, मडस्लाइड भी हुई हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं। मतलब वैनकूवर का कनेक्शन जो है दूसरी सिटीज से वो भी टूटा है। चलो आपको एक और एक अच्छी खासियत बता देते हैं कनाडा की, कि वो कैसे अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से रखते हैं, साफ सुथरा, और तभी लोग उसको फॉलो भी करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, एक गार्बेज ओनली है और एक डॉग वेस्ट ओनली है। सो इसमें तो आपका नॉर्मल गार्बेज, अगर आप पानी की बॉटल लेकर आए हो कोई प्लास्टिक वगैरह की, वो सारा कुछ गार्बेज आपका इसमें चला जाएगा। डॉग वेस्ट ओनली मतलब जो डॉग का वेस्ट होता है, आप उनको वॉक पे लेकर आते हो, जो भी वो फ्रेश होते हैं, पॉटी वॉटी करते हैं, तो वो वेस्ट आपको उठा के, जो उसका डॉग का ओनर है उनको उठा के इसमें फेंकना पड़ता है। नहीं तो मोस्टली यहाँ पे बोर्ड्स लगे होते हैं, यहाँ पे बोर्ड है नहीं, कि $1,000 से $2,000 तक का फाइन आपको हो सकता है। इस वजह से चीजें इतनी क्लीन और इतनी अच्छी रहती है यहाँ पे। इवन डॉग के वेस्ट को उठाने की सप्लाईज तक उन्होंने प्रोवाइड करी हुई है। बस हम सोनिया जी आई हैं कड़कड़ डूमा से ना, और भाई साहब नाम आपका? विजय तनेजा। विजय, और बच्चों, दोनों बच्चियों का? कशिश। मेरे पास ना वैसे जिनके बेटियां ना वो पेरेंट्स ज्यादा आ रहे हैं। तो हाँ, सिंगल डॉटर या डबल, मतलब दो 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 हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मतलब मैं भी वही कह रही हूँ कि बेटियों को बेटों की तरह रखो। कई लोग कहते हैं कि बिगड़ जाती हैं, आपके काम आएंगी, जैसे शिवांगी है, मेरा यहाँ से भी काम वहाँ हैंडल कर रही है वो, अगर उसको इस तरीके से नहीं बनाते तो वो नहीं कर पाती बिल्कुल भी ना। तो लड़कियों को ये चीज जरूर, लड़कियां कहीं मार ना खाएं। मैं आपको आज भी बता देती हूँ कि मेरा गूगल अकाउंट भी किसी ने हैक करने की कोशिश की थी, वो तो मैं अब थोड़ी सी स्मार्ट होती जा रही हूँ और शिवांगी वहां से हैंडल कर रही है। बिल्कुल, हैट्स ऑफ टू शर्मा जी एंड टू यू कि आप अपनी बेटियों को ऐसा बना रहे हो। बिल्कुल, और एक स्पोर्ट्स जरूर खेलना बेटा, बैडमिंटन कुछ भी खेलो, उससे ना विल पावर स्ट्रांग होती है आपकी। ये लड़की कह रही है जब मेरे बोर्ड्स खत्म होंगे ना मैं डोमिनोज पे जाऊंगी, ये कल भी गई थी डोमिनोज पे, मैंने तो कोई नई बात बता। और हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, जिसको खाने आना है तो आ जाइए, वैरायटी है बहुत। हाँ, बहुत सारी वैरायटी। इसको नहीं पता मुझे क्या कहते हैं, मालपुआ पता नहीं क्या है। आइए देखते हैं अनबॉक्सिंग, मेरी अनबॉक्सिंग आप लोगों ने देख लिया, मम्मी की देखते हैं। चलो, अरे भाई लो, एक हाथ से तो ये भी होगा, एक हाथ से कितनी अच्छी करी, एक में कैमरा, एक में हाथ में, ये देखो रसगुल्ले हैं, पनीर के रसगुल्ले। बेटा तू और तेरे पापा एक्सपर्ट थे खाने में। तुमको अनबॉक्सिंग बढ़िया आती है। ये देखिए गर्मा गर्म गुलाब जामुन। इसी मिठाई के साथ हम गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून कर लेते हैं। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मिठाइयाँ पेल रहे होंगे। आप सोचो कि भाभी जी क्या कर रहे हो, मीठा दिखा के फ्रूट्स खा रहे हो,
दिया ने मना कर दिया मैं खाना नहीं खाऊंगी, तो मैंने कहा बेटा फ्रूट खा ले, बच्चे अपनी चीज से खाएंगे, अपनी तरफ से खा लो, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन हमारी भी बात माननी पड़ेगी, हम जो कहेंगे फ्रूट्स खाने हैं तो खाने पड़ेंगे। अनार का वो निकालने के लिए हम वैसे लगे रहते हैं ना, ऐसे करके फटाफट निकल जाते हैं। आज मैंने सोचा था बाबा जी के पास जाऊंगी, नीलकंठ वाले जो पैदल मार्ग पे है गुफा में। अब बाबा जी को मैसेज किया हुआ छोड़ रखा था, बाबा जी का मैसेज आया सुबह कि फिर कॉल ही आ गया कि मैं हूँ नहीं, दो दिन के बाद आऊँगा, और इस चक्कर में मैं घूमने भी, जिस दिन डेयरी प्रोडक्ट छूट गया ना उस दिन आधा वेट अपने आप कम हो जाएगा, ये फैक्ट होता है। इतनी मिठाई पड़ी है मैंने टच नहीं करी, टच नहीं करनी मिठाई। वॉशिंग मशीन में कितने भी कपड़े धो लो लेकिन वो साफ साबुन से साफ हो नहीं निकलता, इसलिए हाथ से तो हमारे करने पड़ते हैं, धोने पड़ते हैं। अगर एक दिन भी ना करो ना तो बिल्कुल येलो येलो हो जाता है, क्या करूँ, रगड़ रगड़ के परेशान हो गई इसको। तो कोई टेक्निक बता दो भाई कि ये फर्श को साफ करने का क्या तरीका है। इससे ज्यादा ये बाथरूम साफ नहीं हो जाता, ये जो नजर का टीका है मुझे बहुत गंदा लग रहा है, ऐसा निकल आएगा ना उस दिन है। और ये दिया को पानी की वैल्यू पता नहीं है, डेली खुला छोड़ती है और मैं डेली इसको टाइट बंद करती हूँ। और बना रही हूँ सूजी का चीला, फिर बनाऊंगी राजमा भी। टूटे हुए चीले तैयार हैं, आज मैंने कुछ भी नहीं दिखाया ऐसे ही, क्योंकि आज मेरे को गड़बड़ी का अंदेशा, जब मैं लेट हो गई थी सुबह ही लग गया था, टूटे ही खा लेंगे पेट में जाके तो टूटनी है। दिया के नहीं टूटे, दिया के छोटे बनाए थे, अपना बड़ा बनाया था, अभी आओ किन तो कहती अपना एक बड़ा बनाया इसलिए टूटा। चाय रेडी हो गई है, पता गर्मियों में चाय पीने का मजा अलग है, गर्मियों में नहीं सर्दियों में। पता नहीं क्यों गर्मी निकला मुँह से। आप ना टूटे हुए चीले को मत देखिए, मैं नहीं दिखा रही, लेकिन जो चीला बना है ना उसको देखिए, ये देखिए ये गया, सच में बड़ा स्वादिष्ट बना है, टूट गया तो क्या हुआ, जाने तो पेट में ही। ये शिवांगी से बातें कर रही है और ला मेरे पैसे वापस दे, चल मेरे पैसे वापस दे, बाय बाय। जब मैं इनसे पैसे मांगती हूँ ना तो ऐसी बाय कर देती है, ये बड़ी बैठी है ना जो कनाडा में, मैं एक चश्मा गुम गया था वो इसी ने दिलवाया था जो मेरा गुमा था ना मेरे बर्थडे के नाम का। ये दिया के लिए अंशुल जी ने ड्रेस भेजी है, ये फोन पे बहुत चिल्लम चिल्ली होती है आपके लिए होती ना, ये देखिए दिया ड्रेस तो बड़ी सुंदर है ना। आज शिवांगी ने एक काम कर दिया, मेरा काम आसान कर दिया, थोड़ी सी क्लिप बना के भेज दी है, मतलब मेरे पास ड्राइव, क्योंकि ना व्हाट्सअप पे मैं कह रही हूँ कि इतना साफ नहीं आ रही है मतलब क्वालिटी, तो कह रही ड्राइव पे भेजूंगी, मम्मी ड्राइव दो, तो थोड़ा सा दिखाया है उसने घूम के, कह रही मम्मी मैं व्लॉगर नहीं हूँ, साफ मना कर देती है, वो पापा की बेटी है एकदम से। मेरा ना वीडियो अपलोड जो हो रहा है ना, पहले डाउनलोड फिर अपलोड, सुबह से हो रहा है, सुबह से हमारे यहाँ जियो फाइबर नहीं आया ना अभी सोसाइटी में, इतना दिमाग ख़राब होता है, लैपटॉप भी कितना चलेगा, मॉर्निंग में लगा दिया था 8 बजे और अभी तक देख लो कितना टाइम हो गया, 12 बज गए हैं, सारा काम बिगड़ जाता है क्योंकि उसके पास रहना पड़ता है फिर लैपटॉप के पास। आधी प्रॉब्लम ये है, अब हमारे यहाँ पे जियो फाइबर के लिए चल रही है तैयारी, बात हुई है कि जियो फाइबर, वैसे पहले मना कर दिया था पर यहाँ पे सोसाइटी में कुछ लोगों ने लगवाया, तो मैनेजर से बात करके जियो फाइबर की बात चल रही है, और एयरटेल वाले भी आए थे आज, तो देखते हैं कौन सा लगेगा, तो मैं तो जियो फाइबर के उसमें हूँ कि जियो फाइबर आ गया तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी यहाँ पे। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ कि अपने पास होते हुए भी मेरे को बाहर से फोटोकॉपी करवानी पड़ रही है प्रिंटर, और इसकी इंक ख़त्म हो गई थी, अब देखती हूँ जितने में भी डलेगी यहाँ पे ना, क्योंकि कॉस्टली बहुत है, उस दिन भी 850 का डल रहा था, पता नहीं कितने की है HP के, मैं उसमें जाती हूँ और वहीं पे फिर इसकी इंक डलवाऊँगी। शर्मा जी के सामने ख़त्म हो गई थी पर वो आलस कर रहे थे, नहीं तो वो मंगवा लेते ऑनलाइन, और उनको सेटअप करना भी आता था कि कैसे लगाते हैं, मेरे को नहीं आता, अब एक बार देख के मंगवा लेंगे फिर खुद से किया करूँगी। ये ना डबल कवर में लेके जाना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि ये इसके अंदर आएगा, स्कूटर पे लेके जाना पड़ेगा, बहुत सारे काम हो जाते हैं, कई बार लोग फ़ोन करते हैं ना मैं उठा नहीं पाती, तो वो समझते हैं कि भाई मैं फ़ोन जानबूझ के नहीं उठा रही, पर उनको पता नहीं है कि अकेले इंसान के लिए कितना वो काम हो जाता है, ज़्यादा बहुत मुश्किल होता है अकेले शूट करना, और कई लोग मेरे मुँह पर इतनी कनिंग हंसी हंसते हैं ना जब मैं कुछ बोल जाती हूँ,
जब खुद पे बीतेगी ना तब पता चलेगा। मैं तो झेल गई पहली मास्क लगा लिया आज मैंने। और ये देखिए पता धुले धुले से लग रहे हैं ना, कितनी शानदार लग रहा है ये सब। पहले मैंने दिखाया है, देखो ऐसे आ रहा है ये, और ऐसे कर भी नहीं सकती क्योंकि उल्टा हो जाएगा, और ऐसे करके ले जाना पड़ेगा। दोनों पैरों के बीच में दबा के चलना पड़ रहा है इसको मुझे। आज मैं सीधा सीधा जाऊंगी क्योंकि सीधा सीधा ना रोड ठीक है, अंदर से बहुत झटके लगेंगे तो ये मशीनरी अंदर कभी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। आज थोड़ा कम ट्रैफिक है, नहीं तो ट्रैफिक बहुत होता है क्योंकि वीकडेज में जाओ ना, और नहीं तो ऐसे भरा रहता है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। कल मेरे से एक भाई साहब मिलने आए तो उनकी वाइफ बता रही थी आजकल फेसबुक पे इतना फ्रॉड हो रहा है ना। मेरे पास भी आया था, मैंने बताया था ना आपको कि फेसबुक पे आया, वो कह रही मेरी आईडी है कोई फेसबुक की, और उसमें क्या हुआ कि सबके फ्रेंड्स, उसके फ्रेंड्स के पास मैसेज चला गया कि पैसे की ज़रूरत है। वो तो उनके फ्रेंड्स को लगा कि इसने तो आज तक पैसे कभी मांगे ही नहीं है, तो ये क्यों मांग रही है। रिलेटिव्स को भी लगा तो उन्होंने कॉल किया, तब उनको पता चला कि मेरी आईडी हैक हो गई। जैसे मेरी भी कल परसों ना किसी ने करने चाही थी, पर मेरे तो आईफोन शुक्र है एक मामले में तो ठीक है ये। तो मैं सभी को ये बोलना चाहती हूँ कि लेडीज़ को स्पेशली कि भाई घर में पढ़े लिखे जो है ना, अपने उनसे ये काम करवा लें कि अपने में OTP में आए। मानस का फ़ोन आया था जर्मनी से एक बच्चे का, उसने मेरे को बताया कि आंटी यहाँ तो डकैती हो रही है जर्मनी में, एक घर में चार चार बार डकैती, हमारे यहाँ पे डकैती नहीं हो रही तो ऑनलाइन फ्रॉड हो रही है। ये सामने मार्केट में आई हूँ मैं, HP का है, मैं पहले पूछ के गई थी तो कॉस्टली बताया था, अब चाहे कॉस्टली हो चाहे कुछ भी हो एक बार लगवा लूँ। कितने किया? 850 रुपये। बहुत बड़ा काम हो गया है ये, हमें दिया को भी बार बार रात को जाना पड़ता था, तो मैंने कहा नहीं ये काम करवाऊँ, करवाना ज़रूरी है। इधर आई हूँ ना तो मन कराया गोलगप्पे खाने का, उधर दिखा था मुझे कृष्णा स्वीट का, अब मैं कहाँ गोलगप्पे खाऊँ, कहाँ खाऊँ, इधर वाले पे खाते हैं। 20 रुपये के थे बहुत दिनों बाद गोलगप्पे के मज़ा आ गया। भैया बोल रहे थे ऊपर आके खा लो, मन का यहाँ दिखाना होता, चिढ़ाना होता वो लोग पे। पता क्या होता है मेरे साथ ना, मेरे आगे इसमें GoPro लगा देख के ना सब मेरे को वो देखते हैं अजीब तरीके से, क्योंकि लड़कियाँ तो लगा के रहती हैं, जैसे मैंने बहुत सारी यूट्यूबर्स लड़कियों को देखा है पर मैंने औरत को कम देखा है मेरे ख्याल से पता नहीं कोई होगी हार्डली जो लगा के ऐसे घूमती होगी, मैं तो घूमती हूँ। मेरा GoPro देख के ना सब आराम वो देखते हैं कि भाई ब्लॉगिंग कर रही है औरत। 2000 के नोट को खुलवाने के लिए मुझे पनीर लेना पड़ेगा, ये प्रकाश डेयरी है ना यहाँ पे बहुत बढ़िया मिलता है पनीर, पनीर यहाँ पे अच्छा मिलता है। भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है फ्रूट ले आया करो, मीठा मत लाओ। 5 किलो इसमें आए हैं, 5 किलो डिग्गी में आए हैं, और ये आगे रखने पड़ेंगे क्योंकि बैग भी उसी में ही है, देखेंगे कैसे ले जाया जाएगा। जो मुझे पैर से संभाल के लाना पड़ रहा था ना अभी बीच में आ गया, अब आई हूँ तो कार्टेज भी ले लो आज सारे काम करके जाऊंगी। मैंने ये लिया 190 का आया ये, अब ये कलेश कट जाएगा सारा। शर्मा जी बोलते थे पहले पूरे दिन मार्केट में घूमती रहती है, अब मैं क्या करती हूँ कभी कभी आती हूँ कि टाइम नहीं मिल पाता तो एक साथ सारा काम कर जाती हूँ। ये गोल्ड गेट निकाल दिया इन्होंने ना डिज़ाइनर, और वहाँ इतने अच्छे भजन हो रहे हैं ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ।
ये मुझे भैया मिले हैं, ये हमारे मॉर्निंग वॉक में सुबह जाते थे, देवी भैया हैं। अभी उनसे कार की पार्टी लेनी है, उन्होंने नई गाड़ी ली है ना। तो अब भैया इवनिंग में करते हो भाई साहब? इवनिंग में इवनिंग वॉक कर रहे हैं अभी ये, मतलब यहाँ के लोग इवनिंग नहीं तो मॉर्निंग वॉक करते ही करते हैं। हाँ जी, गंगा जी हो जाती है, गायत्री मंदिर हो जाता है, एक शिव मंदिर उधर चंद्रेश्वर वाला। हाँ जी हाँ जी, शिव चंद्रेश्वर महादेव, वो बहुत अच्छा मतलब अच्छा अच्छे लगता है वहाँ जाके ना। रात को गंगा जी के किनारे बैठना इतना अच्छा लगता है ना, पूरे दिन की जो थकान होती है वो एकदम से ना, एकदम से मैं कहूँ ख़त्म हो जाती है जब हम यहाँ आके बैठते हैं। अब वीडियो भी जैसे बनाते हैं ना, पूरे दिन में नहीं मिल पाता तो फिर लगता है कि कुछ रह गया है। शर्मा जी मेरे को डांटते थे कि तू दिन में तो कितनी बार चक्कर लगा लेगी यहाँ पे और रात को तेरे को आने में प्रॉब्लम होती है। आज अभी 6:30 बजे हैं और देखिए अंधेरा हो गया है बिल्कुल ही। ये डिस्टर्ब करने आ जाते हैं डेली, बंदर है ये एक तरीके से, है ना? हाँ, दो बंदर ही दिख रहा तू। दीदी ये क्या बोली, आई एम नॉट मंकी। आई एम नॉट मंकी, ओ वाओ। बेटा पैसे, मैं बेटा कोई बात नहीं, मैं वैसे नहीं, बेटा कोई बात नहीं, मैं पैसे दे दूंगी तेरे को बाद में, वैसे ही दे दूंगी। हाँ तो बाद में दे देना। गंगा जी मिली डाल दे। अच्छा तू डाल दे मेरे नाम से, मैं पैसे दे दूंगी तेरे को। चल चढ़ा दे, चल मछलियों। अरे आगे डाल दे, आगे गंगा मैया की जय। मछली दाना खा ले, मछली दाना खा ले, मछली दाना खा ले। बेचारे बच्चे है ना, कल के लिए नहीं रखे और इन्होंने अभी अभी डाल दिया कि घर में जाके खराब हो जाती है ना, फिर ये सूख जाती हैं, तो इसलिए अच्छा मछली खा लेंगी। बेटा ये ना पता क्या होता है, मैं बताती हूँ, तुम वो ऐसे वाले दोने लेते हो ना, ये वाले सिल्वर वाले हैं, वो दूसरे दोने नहीं मिलते ना, पत्ते वाले, ये वाले लेते हो, ये गंगा जी में डले जाते हैं और फिर गंगा जी में पोल्यूशन होता है। ये निगलते पन्नी निगलती ना पर, तो तुम बिना वैसे वाले लिया करो। हाँ ये देख हटा रही है ये, बेटा ये गंगा जी गंगा मैया के लिए करते हैं ना, फिर देखो ये सब जाएंगे तो गंगा जी में फिर वो हो जाएगा, हैं प्लास्टिक बनेगा। देखा आप, समझदार बच्चा है ये। अब ये बच्चे मुझे भुलवा देते हैं कि आज शिवांगी ने मेरा, मैं इतनी बिजी थी, सारा काम कर दिया और क्या कहते हैं, मैंने उसको बोला एक वीडियो मेरे को निकाल के दे दे क्लिप, एक क्लिप तो दे नहीं सकती, तो उसने क्या किया, इतनी सारी धड़ाधड़ क्लिप दे दी। मैंने कहा वाह बेटे आज तो मैं बच गई। एक दिन रह गया बचने के लिए, तो वही वीडियो पसंद आया है तो मतलब आज शिवांगी का ज़्यादा देखने को मिलेगा, मेरा थोड़ा सा हो सकता है मेरा ही पार्ट ज़्यादा हो। तो वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना, और माता पिता बच्चों का ध्यान रखें और बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं, हर हर गंगे हर हर महादेव। और ये देखो मेरे एक बार कहने से लड़की ने कितना अच्छा काम किया है, गुड गर्ल।